Medicos, I am Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel, The Learning Medico. So, आज की वीडियो में हम देखेंगे incidents. Incidents usually पूछा जाता है 5 marks के लिए और बहुत commonly पूछा जाता है incidents and prevalence भी 5 marks के लिए ही पूछा जाता है. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे incidents. Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. इसके भी सारे notes मेरे Instagram पर posted है. So, let's start with today's topic, incidence. So, incidence is defined as the number of new cases occurring in a defined population during the specified period of time. So, new cases मतलब incidence. Incidence मतलब new. I means n. ऐसे याद रखना. नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अनडिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो इंसिडेंस हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 1000. तो जैसे कि इंसिडेंस है तो इंसिडेंस का एक रेट भी होता है. सो इंसिडेंस का रेट मतलब क्या? इंसिडेंस का रेट मतलब इट रिफर्स टू only to new cases. तो incidence rate refer किसको करता है? सिर्फ new cases को. कब? during a given period, मतलब इस time में, मतलब 10 तारीख से 13 तारीख तक, during a specified period. example है ये सिर्फ. okay, in an population or in a specified population or population of risk, at risk, मतलब ये XYZ नाम का ये ग्रुप है. तो ये स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में. इट कैन ऑल्सो रिफर टू न्यू स्पेल्स और एपिसोड्स ऑफ डिजीज अराइजिंग इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो नए केसेस, न्यू स्पेल्स और एपिसोड्स ऑफ डिजीज. ठीक है. सो इंसिडेंस रेट मतलब क्या? नंबर ऑफ न्यू स्पेल्स ऑफ सिकनेस स्टार्टिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन अपॉन मीन नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू रिस्क एट दैट पीरियड इनटू 1000. तो यूजेस क्या है इंसिडेंस रेट के? यूजेस ऐसे है कि द इंसिडेंस रेट एज एन हेल्थ स्टेटस इज एन हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर इज यूजफुल फॉर टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल डिजीज. अगर हमें पता चल रहा है कि न्यू केसेस कितने आ रहे हैं तो हम उस हिसाब से उसका कंट्रोल प्लान कर सकते हैं. तो इसलिए इंसिडेंस कंट्रोल में हेल्प करता है. टू रिसर्च इनटू इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड इफिकेसी ऑफ प्रिवेंटिव एंड थेरेपिटिक मेजर्स. तो हमें इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है. सो दिस इज इंसिडेंस रेट और ये यूजुअली पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल. इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. सी यू सून. बाय बाय.